ग्राम खापा पंचायत बंधा तहसील लखनादौन जिला सिवनी मध्य प्रदेश की ये घटना है जिसमें घासीराम मोहिके जो कि आदिवासी समुदाय से हैं जिन्होंने लगभग 8-10 सालों से वन भूमि पर काबिज किया है और उस पर खेती कर अपना और अपने परिवारों का पालन पोषण करते आ रहे हैं। मेरा परिवार इसी में पालन पोषण हो रहा है और मैं इसी परिवार इसी माध्यम से इसी खेती के माध्यम से मैं अपने जन बच्चों को पाल रहा हूँ और पलते जा रहा हूँ। मगर विभाग साल को आता है और मवेशी से चरा लेता है और मैं धमकी दे के भगाता है मगर मैं भरता नहीं। मेरा कहना यही है कि मेरे शासन से पट्टा मिले। विगत 2-3 वर्षों से वन विभाग के कर्मचारी द्वारा इन्हें परेशान किया जा रहा है, जैसे इनके खेतों में जानवरों को छोड़कर इनकी फसल को चरा देना, कभी इनके खेतों में जहरीली दवाओं को डालकर इनकी फसलों को नष्ट करना, तो कभी इनके खेती संबंधी बेल बखरों के साथ इन्हें रेंज ऑफिस पर ले जाकर बिठा देना। मैं इतना ही कहता हूँ आपसे कि शासन में निर्धारित करे और इसमें मैं इसी का काबिल हूँ और इसी में मैं मरूँगा, इसी में जीऊँगा। मैं ये खेती से नहीं हटूँगा, मैं इसी फसल में खड़ा हूँ और इसी फसल में मैं रो रहा हूँ और मेरी शासन से मेरी मांग और अनुरोध यही है कि मुझे पट्टा दिलाए। घासीराम अकेले नहीं, इनके साथ 5 पंचायत के 12 गांवों से 203 लोग हैं जिनके साथ वन विभाग के कर्मचारी द्वारा इस प्रकार का शोषण किया जा रहा है। अब इस भूमि का पट्टा देना होगा, देना होगा, देना होगा। भूख की जंग में हम सब संग में। इन किसानों की मदद करने हेतु इस नंबर पर कॉल कर अधिकारियों पर दबाव बनाएं। आदिवासी सहायक आयुक्त कल्याण विभाग अधिकारी अशोक सेंडे, मोबाइल नंबर 9424678595। मैं रेखा भांगरे, जिला सिवनी मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।